खुदा का वास्ता मुझे आजाद कर दे, जंजीरें खोल दे साहिब, बहुत परेशान होंगे, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। इसी लैला मजनू की कहानी को खत्म करने के लिए तो बेड़ियां डाली हैं। कितना समझाया था कि शादी असल नहीं है, ड्रामा है। तुमने क्या किया? दुआ करो कि मैं मर जाऊं दिलनवाज, क्योंकि ये बेड़ियां तो तभी उतरेंगी जब मैं मर जाऊंगी। हजरत बीबी, अल्लाह ना करे, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि आपको कुछ हो, लेकिन आपको खुदा का वास्ता है मुझे आजाद कर दे, जंजीरें खोल दे साहिब, बहुत परेशान होंगे, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। इसी लैला मजनू की कहानी को खत्म करने के लिए तो बेड़ियां डाली हैं। कितना समझाया था कि शादी असल नहीं है, ड्रामा है। तुमने क्या किया? जिनजादी होकर तुमने इंसानों वाली हमाकत की ना। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं सारी जिंदगी आपकी कनीज बन के रहूंगी। मुझे हजरत सुलेमान की कसम है, लेकिन एक बार आजाद कर दे, खुशी दे जिंदगी। वो तो तुम रहोगी। जहानारा राजी हो गई है, मेरे बाद वो तुम्हें काबू करने के वजीफे करेगी। तुमने जिंदगी भर मेरे खानदान की गुलामी करनी है। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने। साहेब होंगे? हाँ हजरत बीबी, मुझे छोड़ दे, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, एक बार देखना चाहती हूँ। मैं इस तरह से बंदी भी हूँ, वो बहुत परेशान होंगे, मुझे छोड़ दे, मैं उन्हें बगैर बताए आई हूँ। जहानारा, जहानारा जाओ देखो दरवाजे पे कौन है, अगर वही मजनू है तो मत खोलना दरवाजा। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने। हजरत बीबी अभी वज़ाइफ़ में मसरूफ हैं, आप अंदर नहीं आ सकते। मुझे तुम्हारी हजरत बीबी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अपनी दिलनवाज़ से मिलना है। दरवाजा खोलो। यहाँ कोई दिलनवाज़ नहीं रहती फवाद साहब, आप बराए मेहरबानी यहाँ से चले जाएं। दिलनवाज़ मेरी बीवी है और आज मैं उससे मिले बगैर नहीं जाऊंगा। दरवाजा खोलो। कोई है? खोलो दरवाजा। जहानारा, घंटी की तार निकाल दो, खुद ही चला जाएगा। जाओ। यार किरण, तुम मुझे घर जाने दो, इट विल बी कन्वीनियंट फॉर मी, मैं चली जाऊंगी यार घर। क्या करना है तुमने घर जाके? ये दो चैप्टर्स तो रह गए, कंबाइंड स्टडी कर रहे थे, सुबह मेरे साथ चली जाना ना। यार मेरी अम्मी मुझे जान से मार देंगी। रहने दो, तुम्हारी अम्मी से मैं खुद बात कर लूंगी। हाँ बेटा रुक जाओ ना, बस मुझे ज्वेलर्स तक तो जाना है, थोड़ी देर में आ जाऊंगी, फिर तुम लोगों के लिए कुछ बना दूंगी खाने के लिए। चले आंटी, आप कहती हैं तो मैं रुक जाती हूँ। तो बस फिर रुक जाओ ना, मैं आ रही हूँ एक घंटे तक, ठीक है? ख्याल रखना, बंद कर लेना। ओके अम्मी, खुदा हाफिज़ बेटा। अल्लाह हाफिज़। वैसे मेरे यहाँ रुकने की बुनियादी वजह कुछ और है किरण, मैं तुमसे पूरी कहानी जानना चाहती हूँ। कौन सी कहानी?
तुम मजार क्यों गई थी? पर वो भी ये धागा लेने के लिए। और ये ख्वाब का क्या मामला है? जी सब कुछ बताओ किरण। बहुत परेशान हूँ छोटी। ये बच्चा तो चुप करके बैठने वाला नहीं है, बार बार आएगा, तमाशा बनाएगा। समझ नहीं आ रही किस किस्म की मुसीबत में दिलनवाज ने डाल दिया। बड़ी, हमें दिलनवाज की बात मान लेनी चाहिए। वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। वो वादा कर रही है वो सारी उम्र हमारी गुलाम बन के रहेगी। प्लीज, तुम किस तरह की बच्चों वाली बातें कर रहे हो? तुम्हें कोई अंदाजा है? नहीं काबू किया ना कभी जिन? छोटी, जब 40 दिन का जिन को काबू करने का चिल्ला खींचते हैं, वो जिन इस तरह के झूठ बोलते हैं, इस तरह के बोलते हैं कि आपको लगता है कि वो सच बोल रहे हैं। इंसान से ज्यादा घिनौनी और मकरू झूठ बोलते हैं। उसके बाद तो आपका सारा एतबार उठ जाता है हर एक से। अभी तो मुझे एक और फिक्र है, अगर मेरी कमजोरी की वजह से दिलनवाज ने खुद को आजाद कर लिया तो हमारे खिलाफ भी हो सकती है। तो फिर हम क्या करें? वो बाज नहीं आएगा, वो यहाँ बार बार आएगा, पर हम दिलनवाज को छुपा तो नहीं सकते ना। वो यहीं रहती है, और अगर इसने पुलिस से मदद मांग ली तो? पुलिस का क्या काम इसमें? किस तरह की बातें कर रही हो तुम नादान? क्या करेंगे पुलिस वाले? एक जिन की शादी एक इंसान से करेंगे? उसको पागल समझेंगे? सबसे अहम बात तो तुम भूल रही हो, दिलनवाज मेरी इजाजत के बगैर किसी को जाहिर नहीं हो सकती। शायद इसी में हमारी बचत है छोटी। साहिब, देखो ना, इन लोगों ने मुझे कैद कर लिया है। मैं अब कुछ नहीं कर सकती। बांध दिया है मुझे, मेरे पैर कट चुके हैं। जब तक हसीब बीबी की सांसें चल रही है, मैं यहाँ से हिल तक नहीं सकती। मैं कुछ करूँ? मैं कुछ कर सकता हूँ? खुद कुछ नहीं कर सकता साहिब, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हमें बस इंतजार करना होगा। इंतजार? कैसा इंतजार? मेरे मरने का इंतजार, क्योंकि उससे पहले तो इस जंजीर को कोई नहीं हिला सकता। और आप तो कह रही थी कि दिलनवाज नहीं है, ये कौन है? मेरी गुलाम, एक जिनजादी। कोई इंसान नहीं है जिसका तारुफ सबसे करवाऊं। बीवी है मेरी, ये शादी हुई है हमारी, और आप लोग मेरी शादी में मौजूद थे। वो शादी की कोई अहमियत ही नहीं थी, वो तो एक ड्रामा था। खुद बताओ, अक्कल लड़ाओ, एक इंसान एक जिनजादी से कैसे शादी कर सकता है? आज हजरत बीबी तुम्हें एक मुफ्त का मशवरा देती है, जाओ अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो, भूल जाओ इसको। हजरत बीबी ठीक कह रही है सर।
चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। नहीं तो लेमास, इतनी छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? उसको तोड़ लूँगा। कोशिश कर लो, तिलस्मी है, अमलियात पड़े हुए हैं, इनको कोई तोड़ नहीं सकता, ना कुल्हाड़ी, ना चाकू, ना हथौड़ी। आगे तुम्हारी मर्जी। कोई बात नहीं, कोई तो तोड़ होगा तुम्हारे काले जादू का, पर मैं उसका बंदोबस्त करके आऊंगा। अल्लाह हाफिज़।